दोस्तों अगर आप एक क्रिकेट फैन है तो क्रिकेट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप आरएस एंटरटेनमेंट को तो सब्सक्राइब करिएगा ही, साथ ही साथ अपनी क्रिकेट नॉलेज से घर बैठे लाखों रुपए कमाने के लिए आप अभी नॉस्ट्रा प्रो ऐप को डाउनलोड करें। और अगर आप इस ऐप को अभी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको अभी आपके वॉलेट में 100 रुपए ऑलरेडी मिल जाएंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कुछ टीम्स की प्लेइंग 11 की वीडियोस पहले से ही चैनल पर आ चुकी हैं, तो आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं आईपीएल से रिलेटेड, सभी लेटेस्ट न्यूज आपको लगातार आरएस एंटरटेनमेंट की ओर से मिल रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आप मुंबई इंडियंस के फैन है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई होप आप रोहित शर्मा के लिए, मुंबई इंडियंस के लिए इस वीडियो को कम से कम 5000 लाइक्स तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 बनाना इतना आसान नहीं है जितना लगता है, क्योंकि जो भी टीम स्ट्रांग रहती है यहां पर सभी प्लेयर्स स्ट्रांग रहते हैं, और प्लेइंग 11 में जो हिस्सा बना पाते हैं उनके लिए काफी मुश्किल होता है प्लेइंग 11 में हिस्सा बना पाना। तो आज हम यही बात करने वाले हैं। मुंबई इंडियंस की ओर से अगर हम देखते हैं ओपनर्स के तौर पर, तो ओपनर्स तो यहाँ से रहने वाले हैं क्विंटन डीकॉक और एविन लुइस, यहाँ पर नो डाउट इनके अलावा कोई और ओपनिंग नहीं करने वाला है। गेम आकर रुकता है मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में काफी डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन हैं, और इन्हीं के चलते प्लेइंग 11 में तो खेलेंगे सिर्फ 11 प्लेयर्स, लेकिन इनके स्क्वाड में 11 से ज्यादा प्लेयर्स ऐसे हैं जो प्लेइंग 11 में खेलने की हिस्सेदारी रखते हैं, दावेदारी रखते हैं। मिडिल ऑर्डर को देखते हैं तो रोहित शर्मा है, इनके बाद नंबर 4 की बात की जाए तो युवराज सिंह है, नंबर 5 पर सूर्य कुमार यादव है, ये इनका मिडिल ऑर्डर रहने वाला है। लेकिन ईशान किशन कहाँ खेलेंगे? ईशान किशन खेलने वाले हैं युवराज सिंह की जगह पर, यानी एक समय में टीम में या तो युवराज सिंह रहने वाले हैं या तो ईशान किशन रहने वाले हैं। अब अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करते हैं तो ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या और कायरन पोलार्ड खेलने वाले हैं। हार्दिक पांड्या कृणाल पांड्या की जगह तो कंफर्म रूप से बनती है, लेकिन क्या कायरन पोलार्ड की जगह पक्के तौर पर बन रही है? जी बिल्कुल नहीं। बैन कटिंग यहां से कायरन पोलार्ड की जगह खेल सकते हैं, और कायरन पोलार्ड या बैन कटिंग में से कोई एक ही एक टाइम पर टीम में खेलने वाला है। 8 स्पॉट यहां पर प्लेइंग 11 के भर चुके हैं। अब 3 स्पॉट में काफी बॉलर्स हैं, जहां पर हैं जसप्रीत बुमराह, जेसन बैरनड्रॉफ, मिचेल मैकलेनेगन, लसित मलिंगा, मयंक मार्कंडे, और स्पॉट मात्र 3 बचे हुए हैं। यानी आप समझ सकते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ के फास्ट बॉलिंग अटैक को प्लेइंग 11 में जगह दे पाना। लेकिन इसके बावजूद भी जसप्रीत बुमराह खेलने वाले हैं, जेसन बैरनड्रॉफ खेलने वाले हैं और मयंक मार्कंडे खेलने वाले हैं। यानी मिचेल मैकलेनेगन, लसित मलिंगा शुरुआती मैचेस में जो बेंच पर ही बैठने वाले हैं, क्योंकि हाल फिलहाल जेसन बैरनड्रॉफ का फॉर्म जिस प्रकार से चल रहा है उन्हें रोक पाना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। हाल फिलहाल चल रही बिग बैश लीग में पर्थ स्कॉचर्स की टीम से लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पहले 3 मैच में 2-2 विकेट्स इन्होंने चटकाए हैं और शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। तो जेसन बैरनड्रॉफ को अभी तो प्लेइंग 11 से कोई भी नहीं हटा सकता है, और 11वां स्पॉट लेने वाले हैं मयंक मार्कंडे। इस हिसाब से स्पिनर्स के तौर पर टीम में हो गए कृणाल पांड्या और मयंक मार्कंडे, पेसर्स के तौर पर हो गए जसप्रीत बुमराह, जेसन बैरनड्रॉफ, हार्दिक पांड्या और कायरन पोलार्ड, बैन कटिंग में से कोई एक खेलने वाला है तो वो। तो दोस्तों ये तो रही मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11। आपके हिसाब से जो 10वां स्पॉट है जहां पर जेसन बैरनड्रॉफ, मिचेल मैकलेनेगन, लसित मलिंगा है, यहां पर शुरुआती मैचेस में किसे खिलाना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस को देखना चाहिए जो है लसित मलिंगा के पास, क्या फॉर्म को देखना चाहिए जो है जेसन बैरनड्रॉफ के पास, क्या मुंबई इंडियंस के लिए लास्ट ईयर में अच्छा परफॉर्म करने वाले प्लेयर यानी मिचेल मैकलेनेगन को देखना चाहिए? आपका फेवरेट प्लेयर यहां से कौन है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और आईपीएल से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करके रखें। धन्यवाद।